बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। सऊदी अरब से लाइव मुझे आपके साथ में, आपको दे दूंगा आज की एक अपडेट। अपडेट यह है कि भाई सऊदी अरेबिया में, अच्छा ये दो हिंदी हैं जी, दो इंडियन मेरे भाई हैं और एक श्रीलंकन, ये तीनों पकड़े गए हैं। कितने लाख रियाल की ये चोरी कर चुके थे और पकड़े कैसे गए हैं, रियाद शहर का ये वाकया। इससे पहले आपको यहां पर मैं ये बता दूं, आप भाई कहीं से कोई भी चीज उठाते हैं अभी सऊदी अरेबिया में, जगह जगह पर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, आप भाई उनमें रिकॉर्ड हो जाते हैं, उसके बाद आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है और लंबे अरसे के लिए जेल और भारी जुर्माना आपके ऊपर कर दिया जाता है। हत्ता कि मैंने ऐसे भी देखा कि मस्जिद के बाहर से अगर आप भाई चप्पल भी उठाते हैं या चप्पल चोरी करते हैं तो फिर भी आप वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाएंगे और आपको पकड़ लिया जाएगा। हालांकि ये मामूली एक चोरी जिसको आप बोल रहे हैं, लेकिन चोरी तो चोरी होती है, लेकिन छोटी सी चोरी, चलो इसको बोल रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी आपको जेल और फाइन हो जाएगा जी, ये मैं आपको क्लियर कर दूं भाई। तो ये तीनों बंदे रियाद शहर का ये वाकया, ये काम क्या कर रहे थे पहले तो आपको ये बता दूं मैं, ये भाई तांबे वाली चीजें और तांबे से बनी हुई केबल चोरी करते थे, किसी के घर के बाहर लगी हुई है, कहीं पड़ी हुई है या किसी शिरके वगैरह ने डाली हुई है, ओपन पड़ी हुई है तो वहीं से काट ली भाई, एक तांबे की थी। तो तांबे का इस वक्त सऊदी अरेबिया में मेरे हिसाब से गालमन 20 से 25 या 27 के अराउंड में चल रहा है, यानी कि 20 से 27 रियाल के अराउंड में एक केजी का इसका भाई किलो का रेट है। तो अभी तक ये 41 जराइम कर चुके थे, यानी कि 41 चोरियां बोल रहे हैं, 41 डकैतियां बोल रहे हैं, ये अभी तक कर चुके थे। तो और इनके पास से, यानी कि अभी तक जो ये चोरियां कर चुके थे उनकी मलकियत जो बोल रहे हैं आप, उस रकम की जो अभी तक ये बेच चुके थे, इकट्ठे कर चुके थे इतने रियाल, उनकी मलकियत बनती है जी 7,38,400 रियाल। जी मेरे भाई 7,38,400 रियाल, यानी कि 7,500 के अराउंड में ये पहुंच चुके थे, ये तांबे की चीजें उठाकर चोरी कर करके और ये तांबे की केबल चोरी करके काट करके आगे बेच बेच कर 7,500 तक की रकम अभी तक इन चीजों से ये भाई कमा चुके थे। लेकिन अभी कानून के शिकंजे में आ गए हैं और अभी भाई लंबे अरसे के लिए जेल और एक बड़ा फाइन इनको किया जाएगा। उसके बाद जब ये छूटेंगे, उसके बाद भाई इनको ताहयात के लिए तमाम अरब कंट्रीज में बैन कर दिया जाएगा। तो सऊदी अरेबिया में कोई भी ऐसा भाई अगर चोरी की वारदात या चोरी की नियत रखता है कहीं से कोई चीज उठाने में, तो भाई मत उठाइए। यहां पर सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं, आपको किसी सऊदी ने देख लिया, आप कहीं लेकर जा रहे हैं रस्ते में, किसी सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड होगा तो भाई आप